गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने काफ़ी सारे जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं और जो भी वायसराय हुए हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और यदि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपके ये जो गवर्नर जनरल वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, कई बार मतलब जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इससे संबंधित शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, वह क्या था? सती प्रथा का अंत, ठीक है। और ये हमारे इंडिया में 1828 से 1833 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। तो चलिए, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में संपन्न कार्य वो क्या क्या थे? तो देखिएगा, सती प्रथा का समापन, अर्थात जैसे कि राजा राम मोहन राय है, इसने सती प्रथा जैसी गलत परंपराओं और उनके प्रभावों के साथ उनके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर फ्री में बंटवाई थी। तो फिर क्या होता है कि 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई मतलब सती प्रथा का समापन होता है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में किया जाता है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वह था ठगी प्रथा की समाप्ति, जो 1830 ईस्वी में की गई थी। तो देखिएगा, ठगी प्रथा क्या थी? तो दक्षिण और मध्य भारत के यात्री जब उत्तर भारत की ओर जाते थे तो इस क्षेत्र में बसे जो ठग और पिंडारी थे वे उनको लूट लेते थे और कई लोगों की हत्या भी कर देते थे। तो 1830 में इस प्रथा का अंत किया गया और वह किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य आता है नरबलि प्रथा का अंत। तो देखिएगा, जो काली माता है इसकी पूजा के अवसर पर जो भी नरबलि दी जाती थी इस कुप्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और फिर आता आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है ये किसके काल में हुआ था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल को नया स्वरूप दिया गया। और इस प्रावधान के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के आखिर में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। और फिर अगला जो मेन पॉइंट है वो है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 1835 में हुई थी। फिर अगला महत्वपूर्ण कार्य आता है सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण जो नीति थी उसको समाप्त करने की घोषणा। तो सरकारी सेवाओं में अर्थात जो हमारे जो भारतीय थे और जो अंग्रेजी लोग थे इनमें क्या है कि भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो फिर इस भेदभाव को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, ठीक है। उसके बाद है आपका अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी, वो कब? 1835 में, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है ये 1835 ईस्वी में बना था। इसने भारत में भावी शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। और इस टाइम क्या है कि जो लॉर्ड मैकाले है उसने लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत आता है और उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर कर दी गई, जिसका कार्य प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी शिक्षा विवाद पर मध्यस्थता करना था। और 1835 में उसने अपना स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मतलब पारित कर दिया था, ठीक है।
फिर अगला पॉइंट आता है आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी और साथ ही यहीं एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो आगरा नई प्रेसिडेंसी बनती है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में और यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति भी की जाती है किसके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, ठीक है। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही बनाया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखने योग्य है। पहले वह मद्रास के गवर्नर बनकर भारत आए, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और उनका शासनकाल अधिकांशतः शांति का काल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय रियासतों के मामले में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि 1831 ईस्वी में मैसूर नरेश के लंबे कुशासन के कारण उसके राज्य को ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ले लिया गया था, ठीक है। और उन्होंने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के से संधि की और इसके द्वारा अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध के मार्ग से व्यापार को बढ़ावा देना स्वीकार किया। विलियम बेंटिंक के भारतीय समाज में किए गए सुधार आज भी प्रसिद्ध हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इसका जो काल है वह शांति का काल था और इसने मतलब भारतीय रियासतों के प्रति भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और इसने कई ऐसे सुधार किए जो आज भी मतलब पीढ़ियाँ हैं वो अपना रही हैं। और हमारे भारत में कई सुधार किए गए और सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा थी उसका समापन भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही हुआ था, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल हुआ उसके काल में सबसे ज़्यादा भारत की जो कुप्रथाएं थी उनका समापन किया गया और जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसमें भी सुधार हुआ था, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल के बारे में पढ़ा। आगे हम आपको और भी इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे, तो बने रहें हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।